हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कुछ पुरस्कार से संबंधित स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में। ठीक है, यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। आगे देखते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता कौन थे, तो जगन्नाथ कौल थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता कौन थे या प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हम लिखेंगे जगन्नाथ कौल थे, जिन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विधान चंद्र राय पुरस्कार की स्थापना, देखो ये विधान चंद्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगा। ठीक है, विधान चंद्र राय पुरस्कार की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, भारत में यह जो सम्मान होता है, यानी भारत में डॉक्टरों का यह सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो भारत में यह डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार की स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, और यह डॉक्टरों का सर्वोच्च सम्मान होता है। अगर भारत में बात करें कि भारत में डॉक्टरों के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, तो हमारे यहाँ आ जाता है कि विधान चंद्र राय पुरस्कार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनकी आयु 16 वर्ष से कम है, उनको दिया जाता है, और ये 14 नवंबर के दिन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें उन बच्चों को दिया जाता है जो जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है और उन्होंने कोई ऐतिहासिक कार्य किया हो या साहसिक कार्य किया हो। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई, यानी शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 1958 में इसकी शुरुआत हुई। टैगोर पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। जो टैगोर पुरस्कार होता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे दिया जाता है टैगोर पुरस्कार, वो सांस्कृतिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। आगे देख लेते हैं कि कालिदास सम्मान, जो हमारे कालिदास जी थे सभी लोग जानते हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये कालिदास सम्मान है। ये पहली बार 1980 में दिया गया था। ठीक है, तो पहली बार कालिदास सम्मान कब दिया गया था, तो 1980 में दिया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म यानी फिल्मों के क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 में हुई। लेकिन 1953 की फिल्मों के लिए पहले प्रदान किया गया। ठीक है, स्थापना 1954 में हुई, लेकिन ये 1953 की फिल्मों को पहली बार दिया गया। तो ये थे हमारे कुछ स्टैटिक जीके के पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।